तो ब्रह्म जो है ब्रह्म शब्द परिच्छिन्नता का निषेधक है। फिर से बोलता हूं, ब्रह्म शब्द परिच्छिन्नता का निवर्तक है, निषेधक है। अच्छा ध्यान दो, लिखना छोड़ो। और जो अहम शब्द है वो परोक्षता का निषेधक है। दुनिया में कोई भी चीज आज प्रत्यक्ष है, कल परोक्ष हो जाएगी। प्रत्यक्ष परोक्ष होती रहती है, लेकिन जहाँ तक अहम का प्रश्न है ना, मैं, वो नित्य अपरोक्ष है। मैं का अनुभव कभी भी परोक्ष रूप से नहीं हो सकता, साक्षात अपरोक्ष है, जगमग करता रहता है। बाकी कोई आवे जाए, है ना, अहम सत्ता निरंतर विद्यमान है। तो जब कहा जाता है अहम अस्मि, तो परोक्ष है, लेकिन कहाँ हो, कैसे हो, ये सब चलता है। सॉरी, जब कहा भाष्यकार ने ब्रह्मैव अहम अस्मि, इसका मतलब ब्रह्म है अपरोक्ष और अहम है व्यापक। पकड़ना इसको, अहम है ब्रह्म, क्या मतलब, अहम है व्यापक और ब्रह्म है, चूंकि वो अहम है इसलिए क्या हुआ, वो अपरोक्ष हुआ। ओहो, तो यह जो अहम सत्ता है यही अपरिच्छिन्न है, इसी में माया थी। आप समझते हो, इसी में त्रिगुणात्मक माया आश्रय में रहती थी। यस, इसी में से निकला आकाश। यही कहना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कोई होगा ब्रह्मा, बोले हो कोई होगा, तब तत् बोलेंगे उसको। समझ में आया, तब वो अपरोक्ष नहीं हो पाएगा। आज की समस्या क्या है, हमारी भ्रम की स्थिति में जो अपरोक्ष अहम है वो परिच्छिन्न है, और जो व्यापक ब्रह्म है वो कैसा, वो परोक्ष है, दूर है, कोई है, कोई ब्रह्म नाम की चीज है। तो ब्रह्म में परोक्षता लगी हुई है और अहम में परिच्छिन्नता लगी हुई है। दोनों के एकत्व से दोनों कट जाते हैं। अहम की परिच्छिन्नता कट गई, ब्रह्म की परोक्षता कट गई। ऐसा जब बोध हुआ नारायण, तब बोलते हैं निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त स्यात्। देखो शब्द कैसा बनता है, ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन। ब्रह्म मैं ही हूं, मैं सत्ता ही ब्रह्म है, ऐसा साफ अपरोक्ष ज्ञान से निखिल कर्मों का बंधन छूट गया। निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त, ये एक शब्द है, समास है। बंधनात् विग्रह कैसा करेंगे, निखिल कर्म बंधनात् विनिर्मुक्त, अभी समास है, एक कर लेना, निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त स्यात्। यह जो बद्ध है आज, वो सारे कर्म बंधनों से तो मुक्त हो जाता है। अब एक शब्द आ गया ना, निखिल कर्म, तो अब प्रश्न आया, ये निखिल कर्म माने क्या
क्या कुछ कई तरह के कर्म होते हैं क्या? तो बोलते हैं कर्माणि कति विधानी संतीति चेत, ये जो कर्म हैं वो कितने विधि कितने प्रकार के हैं। कर्माणि कति विधानी संतीति चेत, ये कर्म कितने प्रकार के हैं? तो भाष्यकार उत्तर देते हैं त्रिविधानी संति ही। सरल है आगे क्या बोलते हैं ग्रंथ देखो, त्रिविधानी संति कैसे तीन तरह के हैं, आगामी संचित प्रारब्ध भेदेना। ग्रंथ में देखते रहना, वाक्य आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए। कल को आपको उठा के मैं ही पूछ लूँ अच्छा इस वाक्य का अर्थ बताओ तो आना चाहिए। कर्माणि कतिविधानि संति, क्या बोले त्रिविधानि संति, वो तीन तरह के हैं। कौन से तीन हैं? बोले आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि, आगामी कर्म संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इनके आधार पर कर्म के तीन विभाग हो जाते हैं। बोले अच्छा भाई जरा इन विभागों का प्रभु परिचय कराओ। तो सबसे पहले आगामी का परिचय कराते हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम। ग्रंथ देखो पहले, ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति तद आगामी इति अभिधीयते। क्या बोलते हैं? नीचे से शुरू करना चाहिए क्रियापद को पकड़ के, तो मीमांसा करने में आसानी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं आक्षेपी संगति। कैसा बोलते हैं? देखो तद आगामी इति अभिधीयते, उसको आगामी कहा जाता है। तद आगामी इति अभिधीयते, उसको आगामी कहा जाता है। तो आक्षेप क्या हुआ? किसको? हाँ ये शब्द आया, तद आगामी इति अभिधीयते, उसको आगामी कहते हैं। तो प्रश्न स्वाभाविक आएगा किसको किसको बोलते हैं आगामी? तो बोलते हैं पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति, वे कर्म जो पुण्य पाप रूप हैं। बोले महाराज सारे ही कर्म पुण्य पाप रूप हैं। कर्म केवल पुण्य रूप तो होता नहीं, कर्म केवल पाप रूप तो होता नहीं, और कर्म तो कर्म बनता ही तब है जब वो या तो पाप रूप हो या पुण्य रूप हो। ध्यान रखना जो कर्म न पुण्य रूप है न पाप रूप है, वो क्रिया हो जाता है। ठीक, जैसे आपकी सांस चलती है, क्या है ये पुण्य है कि पाप है? एक क्रिया है। रक्त संचार होता है, क्या है? क्रिया है। बाल बढ़ते हैं, बोले पुण्य है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं 60 साल का होने पर भी काले बाल हैं, हमारे पुण्यों का फल है। अब पुण्य का फल बाल काले, कोई कहे पुण्य का फल दिल काला, वो हमारे विनोदी महात्मा लोग कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। क्यों काली माँ से इतना प्रेम करते हो भाई, बड़ी मुश्किल से तो सफेद हुआ। तो ऐसे बोल देते हैं। ये क्या बोलते हैं?
बोले कर्म तो बनता ही तब है जब वो पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, तो उसका नाम आगामी क्यों रखा? तब बोलते हैं ज्ञान। अब देखो ये आखिर पहला वाक्य आखिर में आएगा उत्तर देते देते। ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, ज्ञानी देह कृतम, ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, एक मुमुक्षु मुक्त हो गया, एक भ्रमा से युक्त जो चेतन है हाँ अब प्रमा से उपहित हो गया। हा ऐसा कोई महापुरुष है उसका नाम है ज्ञानी। ये पहली बार ये शब्द आया आपको पढ़ने में, मैंने बोला लेकिन यहाँ पहली बार आया ज्ञानी। पहले क्या आया था? जीवन मुक्त। अब बोलते हैं ज्ञानी। सो प्रमा की उत्पत्ति से उपहित जो चेतन है, जो मुमुक्षु मुक्त हो गया, जिसकी प्रमा का की दृढ़ता सिद्ध हो गई, ऐसा कोई ज्ञानी महापुरुष तपोंजी महाराज की तरह। क्या रमण महर्षि की तरह, भगवान शंकराचार्य की तरह, कोई ऐसा महापुरुष हो, वाह 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 वाह, गुरुदेव की तरह, ऐसे जो भी महापुरुष है, ज्ञानी देह कृतम। अब उनके देह से ज्ञानी कृतम नहीं लिखा, सावधान रहना, संस्कृत में एक मात्रा का भी असर होता है, तो क्या लिखते हैं? ज्ञानी देह कृतम। अब बोले जीवन मुक्त है ना, तो जी तो रहा है, जीवन बना हुआ है, तो ज्ञानी देह कृतम, उसके देह से कुछ न कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? अरे देह थोड़ो बिगड़ गया ज्ञान होने से, देह बिगड़ता हो ज्ञान होने से तो मेरे ख्याल से कोई बैठेगा ही नहीं। देह प्रेम इतना बढ़िया है, इट विल बी ए बैड एग्जाम्पल फॉर अदर मुमुक्षु। बोले देखा गए थे सांदीपनी में, क्या हो गया उनकी देह का? क्या हो गया? अरे मुक्त होके बिगड़ गए। ज्ञानी देह कृतम। देह ठीक है, बुद्धि ठीक है, इंद्रियां ठीक हैं, सारे औजार ठीक हैं, ये तो पूर्व प्रकृति के अनुसार चेष्टाएं होती रहती हैं। वो प्रकृति मिश्रित है तो चेष्टा भी मिश्रित होती है। वो लिखते हैं बड़ा ही साफ साफ लिखते हैं। ये जो हम लोगों को आग्रह होता है कभी कभी, वो ठीक भी है आग्रह, लेकिन उसमें इतना आग्रह रखने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी के साथ ऐसा कैसे हो गया? वो क्या लिखते हैं देखो, ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देह कृतम, हाँ पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति। बोले महाराज ज्ञानी से भी पाप कर्म हो जाता है? नारायण, ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों भाई सुधीर दास? ये तो भगवान भाष्यकार ने लिखा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बोले निषिद्ध कर्म को पाप बोलते हैं, विहित कर्म के अनुष्ठान को पुण्य बोलते हैं। तो पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति, लोक दृष्टि में, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो कर्म ही नहीं हुआ तो वो तो बात छूट गई, लेकिन लोक दृष्टि में
कोई कर्म निषिद्ध लगता है तो वो तो पाप रूपम ही हुआ, कोई कर्म विहित लगता है वो तो पुण्य ही हुआ, कोई कर्म इष्टापूर्त लगता है, इष्ट कर्म है आपूर्त कर्म है, आपूर्त माने समाज की सामूहिक इच्छा की पूर्ति से संबंधित कर्म, विद्यालय बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कूप बनाया, तड़ाग बनाया, है ना, ये सब चीजें, ये इसको बोलते हैं आपूर्त कर्म। सत्कर्म के दो विभाग मोटे मोटे किए गए, एक इष्ट कर्म, दूसरा आपूर्त कर्म। अगर विहित रीति से विधि पूर्वक अपने कामना के लिए भी कर्म किया जाए तो सत्कर्म कहलाता है, दुष्कर्म नहीं होता। ये न कह देना कि चूंकि कामना लग गई इसलिए दुष्कर्म हो गया, ना, दुष्कर्म तब होता है जब वो निषिद्ध हो। कामना के कारण कोई कर्म न दुष्कर्म है न सत्कर्म है, सत्कर्म दुष्कर्म का की कसौटी है निषिद्ध होना या फिर विहित होना। ये तो ज्ञानी के देह से इष्ट कर्म होता हुआ दिखता है, आपूर्त कर्म होता हुआ दिखता है, समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, ग्रंथ लेखन करते हैं, विद्यालय बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ओफ ओफ से, तो सब क्या हुआ, क्या कहेंगे शास्त्रीय भाषा में, पुण्य रूपम, बड़ा पुण्य हुआ। और कोई निषिद्ध कर्म हो गया तो पाप रूपम हो नारायण। तो कर्म जब हो रहा है तो दोनों ही हो रहा है, एक की बहुलता हो सकती है, एक की अत्यंत न्यूनता हो सकती है, लेकिन हो सकता है। तो बोलते हैं पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति तदागामी इति अभिधीयते। इसका मुख्य लक्षण ध्यान में रखें, ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान की उत्पत्ति के बाद जो कर्म होते हैं उन कर्मों को हाँ आगामी कर्म कहते हैं, और वो दोनों तरह के हो सकते हैं, पुण्य पाप रूपम हो सकते हैं। बोले महाराज ज्ञानी तो है नहीं काम करने के लिए वहां, तो उसकी व्याख्या कर दी, ज्ञानी देह कृतम, ये सो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति तद आगामी इति अभिधीयते। बोले अच्छा ये तो हो गया, संचित कर्म किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं संचितम कर्म किम, संचित कर्म क्या है। भाष्यकार लिखते हैं अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सन्न यत कर्म जातम, ग्रंथ देखना, और नोट में संस्कृत जो लिखी है ना उसको आप लिखा करो, उससे आदत पड़ती है शुद्ध संस्कृत लिखने की, और एक तरह से आवृत्ति भी हो जाती है ग्रंथ की, तो अलग से लिखा करो। संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सन्न यत कर्म जातम पूर्वार पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम्। तत्संचितम ज्ञेयम्, उस कर्म को संचित जानना चाहिए, गेयम गेयम माने जानना चाहिए, उस कर्म को संचित कर्म के रूप में जानना चाहिए। कौन है भाई वो कर्म, बोले ये आपका असली फिक्स डिपॉजिट वाला मामला है, रनिंग अकाउंट नहीं है ये। ये ऐसे कर्म हैं
जो अनंत, क्या लिखते हैं, अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूता सन, अनंत करोड़ों जन्मों के बीज बन करके बैठे हैं। ये न सोचना कि इस जन्म में मैं कोई काम नहीं करूंगा तो अगला होगा ही नहीं, प्रारब्ध ही नहीं बना, अब प्रारब्ध नहीं बना महाराज, ये संचित वाला इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। अनंत कोटि जन्म जन्मनाम बीज भूतम। अच्छा भाई, यत कर्म जातम, अब देखो ये थोड़ी महीन बात कह दी भाष्यकार ने, कर्म को ही कर्म जातम कह दिया, शब्द देना ध्यान देना, भाष्यकार के शब्द हैं तो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा है, कर्म जातम। कर्म से कर्म थोड़ो पैदा हुआ, आगामी कर्म के लिए तो नहीं लिखा कर्म जातम, आगामी कर्म के लिए क्या शब्द लिखा, ज्ञानी देह कृतम। यहां क्या लिखते हैं, कर्म जातम। या देखो कर्म किसको बोलते हैं, कर्म जो है वो काल परिच्छिन्न एक क्रिया है, जैसे प्रवचन कर्म मैं कर रहा हूं इस समय, तो एक काल विशेष में शुरू हुई, एक काल विशेष में इसका समापन होगा, तो काल परिच्छिन्न क्रिया है ये। अच्छा अब ये प्रवचन कर्म पूरा हो गया मान लो, तो कर्म तो अब दिखेगा नहीं, खोजने पर भी नहीं दिखेगा, जैसे ही ये पूरा हुआ नारायण ढूंढते रह जाओगे, क्या एडवर्टाइजमेंट होता है, दाग ढूंढते रह जाओगे। तो जो बीता हुआ प्रवचन है वो आपको बिल्कुल नहीं, फिर से रिपीट ही नहीं हो सकता, क्रिया की नई क्रिया हो सकती है, तत्सदृश नई क्रिया हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना किसी भी क्रिया की पुनः आवृत्ति नहीं हो सकती। कर्म मीमांसा बहुत गहरा दर्शन है, धीरे धीरे आएगा बीच बीच में कभी कभी। किसी भी क्रिया की पुनः हो ही नहीं सकती, तत् सदृश हो सकता है, तत् नहीं हो सकता। सो जो कर्म हो गया अब वो तो देखने को मिलता नहीं, तो क्या बोले नष्ट हो गया वो, वो नष्ट नहीं हुआ, वो जो काल परिच्छिन्न कर्म हुआ था उससे एक चीज जन्मी, उससे एक चीज जन्मी। मीमांसक लोग उसको अपूर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपूर्वम, एक ऐसी चीज जो पहले पहले नहीं थी वो पैदा हो गई, पकड़ में आया, वो जन्मी, और वो अपूर्व नाम की जो चीज है वो बीज बन करके कर्म फल दान पर्यंत, चलो अब क्या करूं इतना बड़ा शब्द बोलना पड़ता है, कर्म फल दान पर्यंत वो जीवित रहता है। जब तक वो कर्म फल न दे दे तब तक वो नष्ट हो नहीं सकता। बोले वो तो 9 बजे तक नष्ट हो गई क्रिया, बोले वो क्रिया नष्ट हुई, वो क्रिया नष्ट हुई, वो कर्म नारायण क्या। बोले महाराज जी क्या बोलते हो, बोले यही बात है, दो चीजें हैं, एक है काल परिच्छिन्न कर्म और फिर उस कर्म से निकला हुआ अपूर्व, वो कैसा होता है, वो पाप पुण्य रूप होता है, उसी को पाप बोलते हैं, कर्म को सीधे नहीं बोलते पाप पुण्य,
जो निकलता है ना कर्म से, उसको बोलते हैं पाप, उसको बोलते हैं पुण्य। ये अब अगर वो ज्ञान के उत्पत्ति के बाद है, हाँ, तो वो आगामी हो गया, और बहुत पहले का है तो संचित हो गया, उसी अपूर्व का नाम पड़ गया संचित। हाँ, ध्यान रखना, और उसी अपूर्व का नाम पड़ा आगामी। अब आगामी शब्द पे भी जाओ जरा पीछे पलट के, क्या लिखते हैं, ज्ञानी देह कृतम, छोड़ा नहीं, इसके बाद क्या है, पुण्य पाप रूपम। ये पुण्य पाप क्या है, अपूर्व है। तो इस अपूर्व को ही आगामी कर्म कहा जा रहा है, वो काल परिच्छिन्न क्रिया को आगामी कर्म हाँ नहीं कहा जा रहा है। बहुत ध्यान देना इस पर। काल परिच्छिन्न क्रिया तो होके बीत गई, जो फलीभूत होगा आगे चल करके वो क्या होगा, उस कर्म से जनित जो पाप है, उस कर्म से जनित जो पुण्य है, वो फलित होने वाला है। इसलिए ना समझी में कई बार हम समझते हैं कर्म हो गया, गड़बड़ कर्म हो गया, अच्छा फिर किसी ने देखा नहीं, बच गए, बच गए। कर्म जातम को भूल रहे हो तुम। कर्म थोड़ो फलदाई होता है, फलदाई कौन है, कर्म जातम। पुण्य पाप रूपम, बच गए, बच बच कुछ नहीं गए। वो आएगा महाराज लौट के, आनंद मंगल बाजा बजाते हुए आता है, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले एक सज्जन ने मुझे एक समय में पैदा किया था, अब मैं जा रहा हूं उनको टोपी पहनाने। छोड़ता नहीं महाराज। अच्छा दूसरा देखो, किसी ने सत्कर्म किया और किसी ने देखा ही नहीं, बड़े निराश हुए। दुष्कर्म करने वाले का दुष्कर्म कोई न देखे, बड़ी खुशी होती है। क्या हुआ, बोले बच गए। सत्कर्म करने वाले का सत्कर्म अगर कोई न देखे, हाँ जी, बड़ा दुख होता है। बोले क्या है यार, इस जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बोले इतनी मेहनत करी, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने रिकग्नाइज तक नहीं किया, दुनिया ने देखा लेकिन जानबूझ के मेरा नाम ही नहीं लिया। हो, बड़ी निराशा हुई। क्या निराशा हुई, ये करना बेकार है, कुछ होता नहीं इससे, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हाँ फल कौन देगा, कर्म जातम। आप दुष्कर्म में खुश हो जाओ, सत्कर्म में निराश हो जाओ, वो आपका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत है ना, वो आपके इस मूर्खता को कोई वरीयता नहीं देता। वो आप खुश हो लो थोड़े देर, जब पिटाई शुरू होगी तब पता चलेगा। और सत्कर्म करने वाला आज भले निराश हो जाए अपनी नासमझी के कारण, लेकिन जब वो महाराज शुभ फल बन के आता है, जरूर आता है, तब उसको लगता है ये कहां से आ रहा है। अरे आएगा, दुनिया नहीं रिकग्नाइज करे तो दुनिया थोड़ो फलदाता है। फलदाता कौन है, मालिक साहब। इसलिए सत्कर्मियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, और हाँ जी, दुष्कर्मियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल तो कर्म जातम से आता है, पुण्य पाप रूपम से आता है,
क्रिया परिच्छिन्न सॉरी काल परिच्छिन्न क्रिया से नहीं आता, वो तो हेतु है। कर्म पैदा करने का हेतु है। सो आप देखते हो ना इस शब्द की महिमा कैसी है। क्या लिखते हैं, अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूतम सन्न यत कर्म जातम। कैसे हैं ये कर्म जातम, पूर्वार्जितम, 10 जन्म पहले 20 जन्म पहले। पूर्व शब्द में कोई मर्यादा नहीं है, बहुत पहले 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 से जो अर्जित कर्म जात हैं, पुण्य पाप की राशि है, उस राशि का नाम है। अच्छा वो राशि कैसी है, नष्ट नहीं हुई है, तिष्ठति। अरे रामा, अगर ये काल परिच्छिन्न वाला मसला होता तब तो न तिष्ठति। ये क्या हाल है, तिष्ठति। हजारों जन्मों के किए हुए नारायण वो सब तिष्ठति, बैठे हुए हैं शिकार की प्रतीक्षा में। तिष्ठति तत् संचितम कर्म, उसको बोलते हैं संचित कर्म। माने पूर्व उसके अर्जित काल परिच्छिन्न क्रिया से जन्मे हुए जो पुण्य पाप रूप कर्मों की राशि है, उसको संचित कर्म बोलते हैं। ये कल देखेंगे। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।